बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चिकन वेजिटेबल पुलाव बनाया, एकदम टेस्टी। कोकनी पपड़ तले, तलो जैसे पपड़ लाए वो तले, कचुंबर कोकनी बनाए। अब ये इसको कैसा बनाए वीडियो में देखें। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वेजिटेबल चिकन पुलाव बना रहे, एकदम टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आधा किलो चिकन लिए है, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, बोनलेस भी ले सकते हैं। हमने हड्डी वाला लिए, आधा किलो चिकन है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसको मैरिनेट करने के लिए एक टी स्पून हल्दी है, एक टेबल स्पून मसाला होता है, एक टेबल स्पून धनिया है, एक टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर है, घर का होममेड है, आपसा के हाथ का, एक टीस्पून हल्दी है, दो टेबल स्पून मिर्ची पाउडर। अभी तड़का देने के लिए, बघार देने के लिए तेज पत्ता 3 है, 2 दालचीनी है, 1 चक्री फूल है, 1 बड़ी इलायची है, 3 छोटी इलायची है, 1 टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून सौंफ है, हम बड़ी सौंफ बोलते हैं उसको, बघार देने के। एक गाजर को हमने लिए हैं, खींच के ऐसा लंबा लंबा काट के लिए हैं, 4 मिर्ची को ऐसा चीर के लिए हैं, और ये शिमला मिर्च की जगह जो बड़ी मिर्ची आती ना, वो मिर्ची हमारे पास है, वो लिए है हमने, 3-4 लिए हैं। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन इसमें जाएगा मैरिनेट करने के लिए, एक टेबल स्पून पुलाव बनाने के लिए जाएगा। ये हमने 3 प्याज को चॉप करके लिए है, 1/2 किलो वटाना फ्रोजन लिए हैं। हम वटाना जब सस्ता होता है ना ठंडी में, तो हम उसको छील के लाके फ्रीजर में भर के रखते हैं फ्रोजन करके, तो हम साल के 12 महीना चलता है। अभी ये 4 टमाटर लिए हैं, 3 आलू लिए हैं, 200 ग्राम दही है, पुदीना है, कोथमीर है, नींबू का रस है, एक नींबू का रस, और 1/2 किलो चावल है बासमती। अभी इसका बनाने का तरीका बताए रमादनी। अभी चिकन को मैरिनेट करेंगे। देखो हमने 1 टेबल स्पून ये डाले, 1/2 नींबू का रस डाले, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाले, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून, प्याज डाल दिए, अभी चिकन डालेंगे। चिकन डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। अलग तरीके से बता रहे, ऐसा बनाओ खाओ, हमें कमेंट में बताओ कैसा लगा। अभी इसको साइड में रखेंगे 1 घंटा। थोड़ा सा तेल डाल दिया हमने, ये देखो अभी इसमें चिकन 1 घंटा हो गया। अभी इसमें फ्राई करके निकालेंगे। अभी ये चिकन पूरा एक साथ डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करके निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका पानी सूख गया चिकन का, अभी इसको निकालेंगे और इसमें साइड में रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा घी डालेंगे, तेल डाले, अभी थोड़ा सा घी डालेंगे। घी डालेंगे ना तो स्वाद अच्छा आता है, देसी घी डालने का। कभी भी बिरयानी में तेल कभी भी ज़्यादा लगता है। ये देखो अभी हम ये आलू को फ्राई करके निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू फ्राई हो गए, अभी आलू निकालेंगे और चिकन के अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसमें ये मसाले बताइए आपको, वो सब डालेंगे। सौंफ का इसके अंदर अच्छी खुशबू आएगी,
सौंफ की, एकदम टेस्टी बनाने का और टेस्टी खाने का। ये देखो अभी इसमें प्याज डालेंगे, प्याज के साथ नमक डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार, हमने ये नमक मेलेट करने में लिए है ना, ये हिसाब से नमक डालें। प्याज को जरा कलर बदली होने तक रुकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज हो गया, देखो देखो प्याज का कलर अच्छे से बदली हो गया, ऐसा ही कलर होना चाहिए बदली। अभी क्या करेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन डाल के इसको अच्छे से भुनेंगे, इसकी कच्चापन जाने तक भुनेंगे। ऐसा पुलाव एक दिन बना के खाओ, फिर हमें बताओ कैसा लगा। एकदम टेस्टी बनाने का और टेस्टी खाने का। अभी इसमें सूखे मसाले डालेंगे, ये देखो अभी सूखे मसाले डाल दिए। अभी इसमें दही डालेंगे, दही इसके लिए डालेंगे, सूखे मसाले जले नहीं, जल्दी से इसके अंदर दही डालेंगे। झटपट बनाने का, फटाफट खाने का, टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। अभी क्या करेंगे, चिकन और आलू, ये देखो ये डालेंगे। अभी चम्मच चलाएंगे अच्छे से, देखो कितना अच्छा कलर आ गया। अभी इसको ढक के 10 मिनट और पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखो कितना अच्छा कलर आया और कितने अच्छे से पक रहा है, देखो एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसमें चावल डालेंगे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावल को एक घंटा पहले धो के हमने रखे थे, बासमती चावल है हमारे, एक घंटा पहले धो के रखे। अभी अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स हो गया। अभी क्या करेंगे, ये एक वटाना डालेंगे, पाव किलो वटाना लिए। अभी टमाटर डालेंगे, अभी तरकारी डालेंगे। तरकारी ऐसी बनाएंगे ना, ऐसा पुलाव बनाएंगे तो बच्चे लोग चिकन के साथ थोड़ी तरकारी भी खाने सीखेंगे, बच्चे लोग खाते नहीं ना इसके लिए। अभी कोथमीर डालेंगे, पुदीना डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, नींबू का रस डालेंगे, मिक्स करनी आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी इसमें पानी डालेंगे 2 गिलास, ये देखो 2 गिलास पानी डाल दिए। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ढककर रख के 10 मिनट पकाएंगे, फिर देखेंगे, फिर बताएंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी इसमें चम्मच चलाएंगे, देखो सूखने पर आया पुलाव। अभी इसको बारीक गैस पे दम पे 10 मिनट रखेंगे। ये देखो कितना अच्छा कलर आ गया, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम टेस्टी, अच्छी खुशबू भी आ रही है और टेस्टी भी दिख रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास। अभी क्या करेंगे, इसको दम पे रखेंगे 10 मिनट, ढककर रख के उसके बाद बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखो फर्स्ट क्लास पुलाव बन के तैयार है। अभी इसको चम्मच चलाएंगे और डिश आउट करेंगे, देखो कैसा खुला खुला बना है, एकदम फर्स्ट क्लास। देखो एक एक दाना अलग अलग बना है, देखो ऐसा बनाने का, देखो कितना अच्छा खिला खिला बना है, एकदम फर्स्ट क्लास। देखो
ऐसा तुम भी बनाओ। अभी इसको हम शाउट कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह सारी दुनिया के लिए दुआ कर रही हूँ, अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी उम्र दराज करे, सबकी मुसीबत खलास करे, सबकी परेशान दूर करे। अल्लाह पाक परवरदिगार हर किसी को खुश रखे, हर किसी की उम्र दराज करे, हर किसी को रोजी रोजगार से नवाजे। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको खुश रखो, आबाद रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो बच्चे हैं उनके माँ बाप को खुश रखो। हाँ, जो बच्चे शरारत करते अपने माँ बाप की कदर करने सिखाओ। अल्लाह पाक परवरदिगार इनको सबको खुश रखो, आबाद रखो, सबकी उम्र दराज करो, सबकी मुसीबत परेशानी खलास करो, सबकी उम्मीद पूरी करो। अल्लाह पाक परवरदिगार किसी को नाराज मत रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी ख्वाहिश पूरी करो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको उम्रा नसीब करो। अल्लाह पाक परवरदिगार आज तो बहुत महंगी है, कम से कम उम्रा तो नसीब करो। सबको दुआ करो कि मेरे को भी उम्रा नसीब हो जाए। अल्लाह पाक परवरदिगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो बीमार है उनके लिए दुआ कर रही। अल्लाह पाक परवरदिगार वो शिफा होके घर पे आ जाए। जिसकी गोद नहीं भरी उनकी गोद भर के वो साहिब औलाद उनको हो जाए। अल्लाह पाक परवरदिगार उनको सलामत रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो लड़कियां शादी नहीं उनकी शादी होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार को अपने ससुराल में जाके हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजरने दो, अपने माँ बाप का नाम करने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको खुश रखो, आबाद रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी मुसीबत परेशानी खलास कर दो, सबकी उम्र दराज करो, सबको गैब से रोजी दो, गैब से रोजी दो, गैब से रोजी दो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, मेरे रेसिपी को आगे बढ़ाओ प्लीज़। अल्लाह हाफिज़। रमान बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्ला। खाना खाने आओ, देखो कितना अच्छा चिकन पका, एकदम फर्स्ट क्लास। देखो देखो ऐसा पकाने का, ये शिमला मिर्च लिए, पुलाव लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पपड़ लेंगे, कचुम्बर लेंगे, बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्ला।